sec माइनस टेन अपॉन sec प्लस टेन इज इक्वल टू दिस. देखो हमें पता है sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है. अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें, इस आइडेंटिटी को यूज़ करें, तो हम देखो न्यूमरेटर डिनोमेटर कहीं एक जगह बनाने की कोशिश करेंगे, है ना. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कहीं भी बना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिलहाल. sec थीटा माइनस टेन थीटा, sec थीटा प्लस टेन थीटा. डिनोमेटर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर नीचे इसे sec थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है. तो a माइनस इसका होल स्क्वायर हो गया, sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर. नीचे क्या a प्लस बी ए माइनस बी, sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर. अब देखो ये तो ऐसे रहेगा और ये हो गया वन. क्वेश्चन चाहिए साइन कॉस में, तो इस sec थीटा को क्या लिख दें, वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख दें, साइन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है. अब इसमें क्या करो, एलसीएम ले लो, देखो ये आ गया हमारे पास वन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें लाना है थोड़ा सा उल्टा, कॉस स्क्वायर ऊपर चाहिए नीचे वन प्लस सही, है ना. तो इसमें हम क्या करें, इसमें हम एक काम करते हैं, वन माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर को ऐसे रखें, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा. वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा, एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा. अब इसे ऊपर नीचे ना वन प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा लेते, क्यों, क्योंकि स्क्वायर चाहिए ना डिनोमेटर में. तो ये क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर. वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया प्रूफ, RHS के इक्वल आ गया. अगर हम इसी क्वेश्चन में ना, जैसे मैंने यहाँ sec माइनस टेन से मल्टीप्लाई किया था, अगर sec प्लस टेन से मल्टीप्लाई कराया होता, ठीक है, तो ये ज़्यादा आसानी से हो जाता, बट यहाँ देख के पता नहीं चल रहा था ना क्या होगा. तो कोई नहीं, sec माइनस टेन से करा लो या sec प्लस टेन से करा लो, एट लास्ट हो जाएगा क्वेश्चन आपका. अगर इस क्वेश्चन को साइन कॉस में कर लेते ना तो भी हो जाएगा. तो एक क्वेश्चन करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं.